हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, आप देख रहे हैं टेक्निकल मनोज टीवी। आज के इस वीडियो में आपको रद्द रहने वाली पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनें वो इंडिया बांग्लादेश के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस के बारे में एक अपडेट देने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने गोंडा स्टेशन पर यार्ड की रिमॉडलिंग कार्य की वजह से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को जाने वाली 21 ट्रेनों को 10 जून तक के लिए रद्द कर दिया है। वो इंडिया से बांग्लादेश को चलने वाली मिताली एक्सप्रेस को फिर से चलाने का फैसला किया है। अगर आप भी इन ट्रेनों से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की साबित होने वाली है। कौन कौन सी रूट की ट्रेनें कैंसिल रहने वाली है, मिताली एक्सप्रेस कब से चलने वाली है, क्या कुछ इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे गोंडा जंक्शन पर यार्ड के रिमॉडलिंग कार्य की वजह से 21 ट्रेनों को 10 जून तक के लिए रद्द कर दिया है। इन रद्द रहने वाली ट्रेनों में ट्रेन संख्या 1506970 गोरखपुर से इसबाग को जाने वाली गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन, दूसरे नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 0509394 गोरखपुर से गोंडा को जाने वाली गोरखपुर गोंडा अनारक्षित ट्रेन, तीसरे नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 1500910 गोरखपुर से मेलानी को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, चौथे नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 12572 आनंद विहार से गोरखपुर को जाने वाली हम सफर ट्रेन, पांचवे नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 1520304 बरौनी से लखनऊ को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, छठे नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 1253029 लखनऊ से पाटलिपुत्र को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, सातवें नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 1112324 ग्वालियर से बरौनी को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, आठवें नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 1511413 छपरा कचहरी से गोमतीनगर को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, नौवे नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 0537172 गोंडा से बहरीज को जाने वाली अनारक्षित ट्रेन, दसवें नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 0176768 गोंडा से बहरीज को जाने वाली अनारक्षित ट्रेन, ग्यारहवें नंबर की ट्रेन है ट्रेन संख्या 0509192 गोंडा से सीतापुरा को जाने वाली अनारक्षित ट्रेन। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय रेलवे ने भारत से बांग्लादेश के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस को 1 जून से चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन भारत में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से बांग्लादेश के ढाका तक 513 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन के चलने से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से ट्रेनें चलने वाली हैं। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। रेलवे की सभी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।